हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनडीए फर्स्ट जो भी एग्ज़ाम हुआ 21 अप्रैल उसका सिलेक्शन देख रहे हैं बेटा मैथ्स का. ओके, सो वी विल डू टॉपिक वाइज. सो वी विल स्टार्ट विथ हाइट एंड डिस्टेंस. ओके, हाइट एंड डिस्टेंस के वैसे हर ईयर 2 से 3 सवाल देखे जाते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 1 सवाल आया, वो भी अच्छा है, लेवल इज़ गुड. ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हाइट एंड डिस्टेंस में लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वट एवर इज गिवन टू यू इन द लैंग्वेज फॉर्म यू शुड नो हाउ टू राइट इट इन अ मैथमेटिकल फॉर्म. और डायग्राम इसका बनाना इंपॉर्टेंट है, वो डायग्राम कैसे बनाना है वो हम देखते हैं. ठीक है, सो वट इज गिवन इन द क्वेश्चन. अच्छा, इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर ऑफ हाइट एच. ओके, सो अ टावर इज गिवन टू यू हुज हाइट इज एच फ्रॉम अ पॉइंट ए ड्यू साउथ ऑफ इट इज एक्स. दिस एक्स इज नथिंग बट द एंगल ऑफ एलिवेशन. And from a point B, due east of A is Y. This terms are very important. Due east, due south. ठीक है, इन्हीं से हमारा डायग्राम एग्जैक्ट बनेगा. एंड ए बी, वो जो दो पोजिशन दिए आपको ए एंड बी, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिए z. एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. चार ऑप्शन आपको दिए. अच्छा, लेट्स ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट. ओके, अगर हम डायग्राम बना लें तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू बेटा टू सॉल्व इट. ओके, फिर तो बहुत ईजी फंडा है हाइट एंड डिस्टेंस का. अच्छा, डायग्राम बनाते हैं. ओके, अच्छा, व्हाट इज गिवन टू यू, अ टावर ऑफ हाइट एच इज गिवन टू यू. सपोज दिस इज अ टावर, सपोज दिस इज अ टावर, सपोज दिस इज द फुट ऑफ द टावर, इसको मैं ओ बोलता हूँ. ठीक है, इस पॉइंट को. एंड दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, इसको मैं टी बोलता हूँ. व्हाट इज द हाइट गिवन टू यू ऑफ दिस टावर, द हाइट इज गिवन एच. एच इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द टावर. ओके, दिस इज गिवन टू यू. नाउ क्वेश्चन में क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ए ड्यू साउथ. अब थोड़ा सा डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है. अब वैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ डायरेक्शन, लेकिन एंगल्स को अच्छे देखने के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं नॉर्थ इस तरफ ले लेता हूँ. ठीक है, नॉर्थ इस तरफ ले लेता हूँ, तो साउथ इस तरफ होगा, तो नीचे ईस्ट होगा और ऊपर वेस्ट होगा. ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्शंस को ध्यान में रखना है. ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मैंने डायरेक्शंस घुमा दिए हैं, बस नॉर्थ यहाँ कर दिया है तो ये साउथ होगा, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, और ये ईस्ट होगा तो वेस्ट होगा. अब क्या कह रहा है मुझसे, फ्रॉम पॉइंट ए ड्यू साउथ, मतलब फ्रॉम द फुट ऑफ दिस टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ दिस टावर अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ. ठीक है, सो साउथ की तरफ जाके देखते हैं. अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो एक पॉइंट है बेटा, दिस पॉइंट इज ए, एक पॉइंट है ए, और यहाँ से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, अगर आप देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है आपको, दिस इज योर एक्चुअल लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, दोनों के बीच के एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. और जो आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे वो कितना दिया है, कह रहा है आपसे एक्स. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ फ्रॉम अ पॉइंट बी डू ईस्ट ऑफ ए. ठीक है, अच्छा, अब ये पॉइंट ए है. ठीक है, दिस इज पॉइंट ए. अगर आप इस पॉइंट ए के ईस्ट की तरफ जाओगे, अच्छा, नाउ ईस्ट इज डाउनवर्ड्स बेटा, अगर आप थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आओगे, सपोज दिस पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट इज बी, तो इस बी पॉइंट से मैं क्या करूँगा, फुट ऑफ द टावर को कनेक्ट करता हूँ सबसे पहले. ठीक है, मैंने ऐसे कनेक्ट किया. अच्छा, इट इज़ अ 3D फिगर बेटा, यू हैव टू इमेजिन ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट इफ यू ऑब्जर्व द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, दिस विल बी योर एक्चुअल लाइन ऑफ साइट, this will be your actual line of sight, ठीक है, and this angle, and this angle, ठीक है, and this angle is y, this angle is y, okay? अच्छा, apart from that, AB, these are the two positions, and the distance between these two positions, A and B, is given to you how much? z, this is given z, okay? this distance, okay? so you should know that this is 90 degree angle, huh? you should know that this is 90 degree angle. Because we are going towards east from this point A, okay? And this angle is also 90 degree, and this angle also, beta, and this angle is also 90 degree, okay? So we have three right angles triangles here, okay? We have three right angles triangles, okay? बस इसमें हमने क्या करना है, height and distance की property लगानी है, एक जगह Pythagoras theorem लगाना है, बस. क्वेश्चन इज नाउ ओवर.
अगर आपको ये डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन इज ओवर नाउ, ठीक है। अच्छा मैं आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, दैट्स वाई इट्स टेकिंग टाइम, ठीक है। अदरवाइज व्हेन यू विल प्रैक्टिस अ लॉट तो ये डायग्राम तो आपके माइंड में ही फ्रेम हो जाएगा एंड डायरेक्टली यू कैन राइट इक्वेशंस। तो दो मिनट भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है, लेकिन अभी समझना है बच्चों को। अच्छा अब देयर आर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स, सो लेट्स टेक फर्स्ट ए बी ओ, ओके। सो आई विल राइट हियर, सपोज ओके हियर आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन, ओके ओके। इन ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है, आई एम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी ओ। सो ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्रीज हाइपोटेन्यूज, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज ओ ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज ए बी जेड, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ओके। सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन, सपोज जस्ट नेम इट इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इफ यू ऑब्जर्व ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो जेड स्क्वायर चारों ऑप्शन में है, कहीं ना कहीं ऐसी इक्वेशन दिख रही है हमें स्क्वायर के फॉर्म में। अब व्हाट इज द नेक्स्ट एम, टू फाइंड ओ बी एंड ओ ए, हाउ यू विल फाइंड इट, देर आर टू मोर राइट एंगल्स ट्राइंगल, ओके। सो नाउ इन ट्राइंगल, अब आप दोनों वन बाय वन लो इन ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो मैं लेता हूँ टी ए ओ, इन ट्राइंगल टी ए ओ अगर आप टैन ऑफ एक्स निकालेंगे, टैन ऑफ एक्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आने चाहिए, टैन इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो टैन एक्स विल बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विल बी हाई मच, हाउ मच द हाइट ऑफ द टावर एच अपॉन बेस इज हाउ मच, बेस इज ओ ए, ओके। सो फ्रॉम हियर ओ ए विल कम, ओ ए विल कम एच अपॉन टेन एक्स, ओके एच अपॉन टेन एक्स एंड हियर and OA square and OA square will be how much, h square upon tan square x. similarly you can find OB square, you will take the third right angle triangle, so in triangle now which is the third right angle triangle, this one TBO, so in triangle TBO tan y, ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, लग नहीं रहा बेटा, ठीक है, थोड़ा सा 3D इमेजिन करना है आपको। सो टैन वाई विल बी नथिंग बट अगेन परपेंडिकुलर इज सेम एच, बेस इज हियर ओ बी, बेस इज दिस ओ बी, दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री, दिस इज परपेंडिकुलर, सो फ्रॉम हियर ओ बी विल बी हाउ मच, ओ बी विल कम एच अपॉन टैन वाई, ठीक है, एंड ओ बी स्क्वायर विल बी एच स्क्वायर अपॉन टैन स्क्वायर वाई, ओके। नाउ यू हैव टू पुट ओ ए स्क्वायर वैल्यू एंड ओ बी स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, ओके। सो पुट वैल्यूज ऑफ, ठीक है, सो आई विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन वन, ओके, फ्रॉम इक्वेशन वन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इज हाउ मच, एच स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर वाई माइनस ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इज हाउ मच, एच स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इफ नाउ यू विल ऑब्जर्व द ऑप्शन यू विल कम टू नो दैट ए इज द राइट आंसर, टैन का उल्टा होता है कॉट, माइनस साइन आ रहा है पहले वाई वाला टर्म है ना, सो कॉट स्क्वायर वाई, सो टेन स्क्वायर वाई का उल्टा कॉट स्क्वायर वाई, सो ऑप्शन से आपको मालूम पड़ जाएगा एच स्क्वायर इफ विल टेक कॉमन, सो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू इफ विल टेक एच स्क्वायर कॉमन, वन अपॉन टेन स्क्वायर को यू कैन राइट कॉट स्क्वायर वाई माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर को यू कैन राइट कॉट स्क्वायर एक्स, ओके। सो दिस इज द आंसर, सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आई हैव टेकन नियरली 10 मिनट्स बेटा टू सॉल्व दिस, बट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, और प्रैक्टिस करके यू कैन इंक्रीज और बिल्ड अप योर स्पीड, ठीक है। तो ये जो डायग्राम्स हैं ये आप इवन अपने माइंड में इमेजिन करके डायरेक्टली यू कैन राइट दिस इक्वेशंस एंड यू कैन सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर इन लेस देन टू मिनट्स, ओके। So it's totally based on your practice, okay? Okay, all the best.